मन हो जाए फकीर। इसको प्यार को मोहब्बत को हम बड़े हल्के से लेते हैं, इतना आसान काम नहीं है। दो पंक्तियां सुनना और क्या कहना चाहता हूं समझने कोशिश करना, उनके लिए जमीन खड़ा करता हूं कि त्याग तपस्या तन बने, मन हो जाए फकीर, प्यार अगर जीना चाहो हर दिन जियो कबीर। उस कबीर के ढाई अक्षर को गाने वाले मोहन मंत जी, तालियां आपकी कमजोर हैं, जोरदार तालियां मोहन मंत जी के लिए, नौजवान लोगों की धड़कन। मंच को प्रणाम करता हूं, माँ शारदे को नमन करता हूं, आदरणीय कुलपति महोदय साहब को नमन करता हूं। मंच पर संतोष आनंद जी, अना देहलवी जी, योगेंद्र मुदगल जी, दिलीप दुबे जी और गौरव चौहान जी, ये ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनके साथ मुझे पहले भी मंच साझा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। लेकिन आज दादा ये मंच मेरे लिए इसलिए बहुत यादगार है कि आज मुझे पहली बार इस मंच से आदरणीय डॉक्टर सुरेश अवस्थी जी के साथ मंच साझा करने का अवसर मिला है। तो ये मंच मेरे लिए यादगार मंच है। अभी यहाँ मेरे जितने भी नौजवान भाई उपस्थिति रखते हैं उनको मैं एक बात बताता चलूँ कि जितनी देर मैं माइक पर हूँ अगर आपने मेरा साथ दे दिया तो आज के बाद कभी मोहब्बत में मात नहीं खाओगे। ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा, 10 मिनट जो मैंने श्रेष्ठ कहा है मैं वो आपको सुनाऊंगा। अभी छोटा भाई आदित्य पढ़ रहा था, वो मोहब्बत में गिड़गिड़ा रहा था। आदित्य भाई जहाँ भी हो बस 10 मिनट के लिए मुझे सुन लो, मोहब्बत में गिड़गिड़ाना छोड़ दोगे। यहाँ से शुरू करता हूँ, 10 मिनट साथ दोगे आपकी ऊर्जा मिलती रहेगी, मैं आपको सुनाता रहूँगा 10 मिनट केवल। दादा आजा सुनिएगा, 4 पंक्तियाँ निवेदन करता हूँ बस इस निवेदन के साथ कि आज के बाद कभी मोहब्बत में गिड़गिड़ाना मत। 4 पंक्तियाँ निवेदन करता हूँ सुनेगा। सूर्य बनो कुछ रातों का, जुगनू बनने से क्या होगा। किधर हो आदित्य, किधर हो आदित्य, कहाँ गए। सूर्य बनो कुछ रातों का, जुगनू बनने से क्या होगा। भवरे बनिए फूलों की, खुशबू बनने से क्या होगा। भवरे बनिए फूलों की, खुशबू बनने से क्या होगा। प्यार करो धरती से और आज़ाद बनो, अशफाक बनो। लैलाओं के चक्कर में मजनू बनने से क्या होगा। लैलाओं के आज तक जो आपको आपकी जिंदगी में नहीं पढ़ाया गया ना, यकीन माना 10 मिनट में आपको वो पढ़ा के जाऊंगा। मोहब्बत के लिए, मोहब्बत के लिए आपका नजरिया यहाँ से बदल के जाऊंगा, मोहब्बत में गिड़गिड़ाना छोड़ दोगे। बस 10 मिनट साथ देना, 4 पंक्तियों निवेदन करता हूँ सुनेगा। बाबूजी से अच्छा कोई यार नहीं हो सकता है, भाई बहन से बेहतर रिश्तेदार नहीं हो सकता है। बाबूजी से अच्छा कोई यार नहीं हो सकता है, भाई बहन से बेहतर रिश्तेदार नहीं हो सकता है। माँ से बढ़कर इस दुनिया में केवल माँ ही होती है। माँ से बढ़कर एक लड़की का प्यार नहीं हो सकता है। माँ से बढ़कर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद मेरे भाई जी जी। मैं सुनाता हूँ, नहीं मैं आपको बस ये 4 पंक्तियाँ फिर से सुना देता हूँ, उसके बाद जो 4 पंक्तियाँ आएंगी एक ही बार में समझ लेना कि मैं सोचा कि आपको ज़्यादा सुना सकूँ। सुनेगा, बस इन 4 पंक्तियों को जिंदगी में उतारिएगा। बाबूजी से अच्छा कोई यार नहीं हो सकता है, भाई बहन से बेहतर रिश्तेदार नहीं हो सकता है। माँ से बढ़कर इस दुनिया में केवल माँ ही होती है। माँ से बढ़कर एक लड़की का प्यार नहीं हो सकता है। माँ से बढ़कर 4 पंक्ति निवेदन करता हूँ मेरे भाई। अरे बड़ी अजीब आवाज़ निकाली भाई,
चार पंक्ति निवेदन करता हूँ बस, एक बहुत जल्दी एक चिट्ठी एक पत्र तक पहुँचना चाहता हूँ जो कभी मैंने गुस्से में आकर किसी का नाम लिख दी थी। चार चार पंक्तियाँ वो सुनने वाले हो जो आपने कभी कल्पना नहीं की होगी, बस 10 मिनट देना। चार पंक्तियाँ निवेदन ये करता हूँ इस निवेदन के साथ कि आज के बाद कभी मोहब्बत में मत गिराना। एक एक अभियान चला इस देश में बेटी बचाओ अभियान, एक अभियान मैंने चलाया है बेटे बचाओ अभियान। चार पंक्तियाँ निवेदन करता हूँ, चार पंक्तियां निवेदन करता हूं इसी विनती के साथ कि आज के बाद मोहब्बत में गिड़गिड़ाना मत। सुनेगा यहां से आपको मोहब्बत में खुददारी देने का प्रयत्न करता हूं। जो मैं पीछे पड़ा होता पलट कर वार कर देती, मुझे बदनाम कर देती सरे बाजार कर देती, मुझे बदनाम कर देती सरे बाजार कर देती। रहा खामोश तो उसने पहल कर दी मोहब्बत की, रहा खामोश तो उसने पहल कर दी मोहब्बत की, अगर इजहार कर देता तो वो इनकार कर देती, अगर इजहार कर देता तो वो इनकार कर देती। मुझे देखेगी जब पल के झपक ना भूल जाएगी, चुरा लूंगा तेरी नींदें तो सोना भूल जाएगी, चुरा लूंगा तेरी नींदें तो सोना भूल जाएगी। अगर मेकअप ही प्यारा है तो मुझसे प्यार मत करना, अगर मेकअप ही प्यारा है तो मुझसे प्यार मत करना, मोहब्बत होगी जब मुझसे सवरना भूल जाएगी आएगी, मोहब्बत होगी जब मुझसे भूल। एक एक बात आपसे चार पंक्तियों से पहले निवेदन करना चाहता हूं कि अगर कोई लड़की आपसे ये कहती है कि इस दुनिया में अगर आपको सबसे ज्यादा कोई प्यार करता है तो वो लड़की करती है, तो समझ लेना कि वो लड़की अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा झूठ बोल रही है। क्योंकि अगर आपको इस जिंदगी में इस दुनिया में कोई सबसे ज्यादा प्यार कर सकता है तो वह है आपके माँ बाप। वो लड़की आपको उनसे आधा प्यार कर सकती है, उनसे ज्यादा प्यार नहीं कर सकती। चार पंक्तियां निवेदन करना चाहता हूं इस ये दरखास्त है कि कभी भी माँ बाप के लिए किसी को भी छोड़ना पड़े तो संकोच मत करना। सुनेगा, किसी दिन बेवफा होकर उसे हम छोड़ सकते हैं, उसी की एक सहेली से दिल अपना जोड़ सकते हैं, उसी की एक सहेली से दिल अपना जोड़ सकते हैं। कभी भी लड़कियां घर तोड़ सकती हैं हमारा दिल, कभी भी लड़कियां घर तोड़ सकती हैं हमारा दिल, तो हम भी लड़कियों का दिल कभी भी तोड़ सकते हैं। बहुत धन्यवाद भाई। मैं एक बात पूरा सुन लो, ठीक है। ये एक उस चिट्ठी से पहले चार पंक्ति निवेदन करता हूं, लेकिन बस इस निवेदन के साथ कि मेरा एक दोस्त था जिसने एक लड़की की मोहब्बत में धोखा खाकर अपनी जान दे दी। जब अपने दोस्त के बूढ़े माँ बाप की आंखों में उनके जवान बेटे के जाने का दर्द देखा, एक बहन की आंखों में उसके भाई के जाने का दर्द देखा, तब मेरी ये कविता का रंग बदल गया साहब। प्रेम मोहब्बत की बातें मैं भी कर सकता था, लेकिन ये चार पंक्तियां पढ़ता हूँ, कुछ मत ले जाना यहां से। चार पंक्तियां हो सके भी जिंदगी में उतारना, यहां से मेरी चार पंक्तियां उद्देश्य की पंक्तियां। सुनेगा, न जब तक मुस्कुराए वो उसे मुस्कान मत देना, पलट कर खुद ही देखेगी तुम उस पर ध्यान मत देना, पलट कर खुद ही देखेगी तुम उस पर ध्यान मत देना। तरस जाओगे जन्नत को अगर माँ बाप रोएंगे, तरस जाओगे जन्नत को अगर माँ बाप रोएंगे, किसी लड़की की खातिर भूल कर भी जान मत देना, किसी लड़की की खातिर भूल कर भी जा। बहुत बहुत धन्यवाद।
आखिरी कविता 3 मिनट की कविता, चलते चलते विदाई की अस्पताल मैं चाहूँगा। बस इस कविता से पहले आपको चार पंक्ति, ये एक बात इसकी भूमिका मैं आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरे ये एक चिट्ठी है, इसे कविता समझ लीजिए या फिर एक चिट्ठी समझ लीजिए जो कभी मैंने गुस्से में आकर किसी के नाम लिख दी थी। बस इसकी भूमिका मैं इतना कहना चाहता हूँ कि चिट्ठी मैंने लिखी क्यों, कि मेरे कॉलेज का पहला दिन था और मुझे अपने कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की से प्रेम हो गया। लेकिन मजे की बात तो ये थी कि उसी लड़की से कॉलेज के आधे लड़कों को प्रेम हो गया। उन आधे लड़कों में से आधे लड़के जो अपने दिल की बात नहीं कह पाए, वो पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, कलेक्टर बन गए, मिनिस्टर बन गए, चीफ मिनिस्टर बन गए। लेकिन उन आधे लड़कों में से आधे लड़के जिन्होंने अपने दिल की बात कह दी, जिनमें से एक मैं भी था, उन आधे लड़कों को उस लड़की ने इनकार कर दिया, मायूस कर दिया, फटकार दिया। वो आधे लड़के जिनको उस लड़की ने मायूस कर दिया, इनकार कर दिया, फटकार दिया, वो या तो कवि बन गए या फिर कवि सम्मेलन सुनने वाले श्रोता। उस वक्त मुझे बहुत गुस्सा आया, मुझे बहुत क्रोध आया, तो मैंने अपने क्रोध को एक चिट्ठी, एक पत्र में तब्दील कर दिया। आपको कभी क्रोध आया हो तो अपने इस क्रोध को आप अपनी तालियों में तब्दील कर सकते हैं। यहाँ से मैं शुरू करता हूँ वो कविता, वो खत, वो चिट्ठी। बस कि हर पंक्ति को सुनेगा, क्योंकि इसकी पहली पंक्ति आखिरी पंक्ति से लिंक है। सुनेगा, मोहब्बत में सर उठाकर चलने का हुनर और मोहब्बत में खुददारी देने की कोशिश करता हूँ। पढ़ता हूँ कि हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए। करोगी मोहब्बत तो चेहरे पर उदासी छाएगी, जो आएगी उदासी तुझे नींद ना आएगी, नींद ना आएगी तो चेहरे पर असर आएगा, चेहरे पर असर आएगा तो तू नजरें चुराएगा। फिर जाने कब तलक हमसे मिलने ना आएगा, तू मिलने ना आए हमसे ऐसी नौबत ही क्यों आए, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए। बहुत धीरे 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 ये चिट्ठी, धीरे धीरे खत जवान होगा। अगला हिस्सा पढ़ता हूँ कि करोगी मोहब्बत तो कुछ यूं मोहब्बत होगी, कभी शक होगा मुझ पे कभी शिकायत होगी, जिनसे वास्ता नहीं उनसे अदावत होगी, शहर से नफरत दुनिया से बगावत होगी, हम सह जाएंगे तुम ना सह पाओगी, कैसे जमाने के सितम उठाओगी, समझाएंगे घर वाले तो मुझसे खफा हो जाओगी, मैं तन्हा रह जाऊंगा तुम बेवफा हो जाओगी, तुम हो जाओ बेवफा ऐसी नौबत ही क्यों आए, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए। मेरा आप यकीन करना कि इस चिट्ठी, इस पत्र के बाद मोहब्बत पे होने वाले फिजूल खर्चे बच गए। वो खर्चे जो सिर्फ लड़के करते हैं, वो खर्चे जो सिर्फ लड़कियों पे किए जाते हैं, वो खर्चे जो कभी वापस नहीं आते। इस चिट्ठी इस पत्र के बाद मेरे नौजवान भाइयों की जेब में पैसा और मोबाइल में बैलेंस रहने लगा, जब तक कि जियो नहीं आया था। अब यहाँ से मैं पत्र, ये कविता शुरू करता हूँ। सुनेगा कि करोगी मोहब्बत तो रोज मुलाकात होगी, वक्त जाया होगा फिजूल बात होगी, शाम को ताने देंगे कुछ लोग, घर पहुंचते पहुंचते रात होगी, पूछेंगे घर वाले तो क्या बताओगी, झूठ बोलोगी या खामोश हो जाओगी, सोचकर दिन की बातों को मुस्कुराओगी रात भर, नींद ना आएगी तुमको जागोगी रात भर, चिड़चिड़ी हो जाओगी जब दोस्त चिढ़ाएंगे, मेरा नाम लेकर लोग तुझे बुलाएंगे, इन हरकतों से एक दिन उकता जाओगी, हमें पत्थर की तरह ठुकरा जाओगी, तुम ठुकराओ हमें ऐसी नौबत ही क्यों आए, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए। इस चिट्ठी, इस पत्र के आखिरी दो हिस्से जो मैंने सबसे अच्छे अपनी जिंदगी में कहे, इस एक हिस्से में मैं आपको बुजुर्गों की नसीहत आप तक पहुंचाता हूं। सुनेगा कि करोगी मोहब्बत तो इजहार भी करना होगा, जमाने से छुपकर प्यार भी करना होगा, तुझको तकने लगेंगी दुनिया की नजरें, मुझ पर रहने लगेंगी दुनिया की नजरें, फिर देखना तुम ये समझौता कर लोगी, हमें छोड़कर इश्क दूसरा कर लोगी, वो तुम्हें मिल जाएगा तुम खूबसूरत हो, ख्वाहिश हो सबकी हसीन सूरत हो, आहिस्ता आहिस्ता तेरी उम्र खफा हो जाएगी, तेरी मोहब्बत भी फिर बेवफा हो जाएगी, उसके बात करने का ढंग बदल जाएगा, तेरी जुल्फों का जब रंग बदल जाएगा, याद कर फिर हमें पछताओगी बहुत, सदाएं दोगी चीखोगी चिल्लाओगी बहुत, बिताने आओगी जिंदगी का किनारा हमारे साथ, जवानी किसी के साथ बुढ़ापा हमारे साथ, तुम मिलो बुढ़ापे में ऐसी नौबत ही क्यों आए, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए।
इस नज़्म का आखिरी बंद, और उसके बाद मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ, आखिरी बंद, बस विदाई की तालियां देना बस मेरे दोस्तों। सुनो अब मैं पढ़, सुनो उसके बाद आपसे, क्योंकि हमें बहुत बहुत हमें आदरणीय अवस्थी जी तक और संतोषानंद जी तक पहुंचना है, लेकिन मैंने कभी जिंदगी में ये नहीं कहा मेरे दोस्त आदित्य जहां भी है कि मोहब्बत मत करो, मैंने बस ये कहा कि मोहब्बत में गिड़गिड़ाओ मत, मैंने ये नहीं कहा कि मोहब्बत मत करो, मैंने कहा मोहब्बत में बर्बाद मत होना, मैंने ये नहीं कहा कि मोहब्बत मत करो, मैंने बस ये कहा कि मोहब्बत में किसी लड़की के लिए जान मत देना, मैंने बस इतना कहा कि मोहब्बत में कोई भी गलत कदम उठाने से पहले एक बार अपने माँ बाप की तरफ देख लेना। इस चिट्ठी का, इस पत्र का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इस चिट्ठी का आखिरी बंद ये निवेदन करता हूँ, लेकिन इस बार आप सबसे मेरा निवेदन है, अगर आपके अंदर ज़रा भी कोई खुददार आशिक छुपा हुआ हो तो उसको इस बार बाहर निकालना, इस बार अपना ये शोर, अपना ये हंगामा मेरे शहर में रहने वाली उस बेवफा लड़की तक पहुँचा देना। हाँ, स्वागत, ताकि उसे लगे कि मोहब्बत करने वाले लोग कैसे होते हैं और मोहब्बत की कद्र कैसे की जाती है। क्या करोगी मोहब्बत तो घर भी छोड़ना होगा, तुम्हारे साथ ये शहर भी छोड़ना होगा, टूट जाएगा फिर घर वालों से रिश्ता, माँ के हाथों के निवालों से रिश्ता, अनजान शहर में ये बुखार भी मर जाएगा, भूख लगेगी तो प्यार भी मर जाएगा, बुलाएंगे घर वाले तो घर लौट जाओगी, हमें ठुकरा कर अपने शहर लौट जाओगी, हम पर आएगा तुझे बहकाने का इल्ज़ाम, लड़की पर नहीं आता भगाने का इल्ज़ाम, फंस जाएंगे फिर हम जमाने के चक्कर में, जवानी निकल जाएगी थाने के चक्कर में, अपने बयान से फिर तू पलट जाएगी, मेरी जिंदगी जेल में कट जाएगी, उम्र गुजरे जेल में, ऐसी नौबत ही क्यों आए, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत। बहुत खूब, बहुत अच्छे, बहुत खूब, वाह 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 वाह। बैठ जी, बैठ जी, बैठ जी।